आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज का ये शो हमने डेडिकेट किया है उन लोगों को जो अपने पैरों के निशान छोड़े बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आइए उन्हें याद करें। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आज हमने ये महफिल जो सजाई है, ये महफिल उन लोगों को याद करने के लिए है जो वक्त बेवक्त हमारा साथ छोड़कर, अपना हाथ छोड़ाकर हमसे और दूसरी दुनिया में चले गए, इस दुनिया का काम खत्म करके। चाहे कितना भी हमारा लगाव उनके साथ रहा हो, लेकिन जब उनके जाने का वक्त आता है तो वो हर बंधन को तोड़कर, हर मोहब्बत की जंजीर को एक तरफ रख के, हर रिश्ते को दरकिनार करके चले जाते हैं। लेकिन उनके चले जाने के बाद भी उनकी यादें उस रिश्ते को, उस रिश्ते की जंजीर को कायम रखती है, क्योंकि
हाथ छूते भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। वक्त की शाख से, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। जिसने पैरों के निशान भी नहीं छोड़े पीछे, जिसने पैरों के निशान भी नहीं छोड़े पीछे, उस मुसाफिर का, उस मुसाफिर का पता भी नहीं पूछा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। छूट गए यार न छूटी यारी वाला, छूट गए यार न छूटी यारी वाला, तुझे घूम के देखा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। छूट गए यार न छूटी यारी मौला, छूट गए यार न छूटी यारी मौला, थक गए दौड़ते,
थक गए दौड़ते दरियाओं का पीछा करते हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते वक्त की शाख से वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे बोलती तस्वीरें शो के साथ कीप लिस्टिंग रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बैकबोन रेडियो उड़ान यानी राजीव भाई राजीव भाई आपका खैर मकदम है इस यादों की महफिल में धन्यवाद सैफ साहब और सभी सुनने वालों को राजीव आमरी का नमस्कार ये जो टॉपिक आज हमने चुना है कैसा लग रहा है आपको ये टॉपिक क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप आपने जो टॉपिक लिया है बड़ा ही सेंसिटिव टची और दिल और आत्मा और दिमाग को झंझोरने वाला टॉपिक है ये आप इस पे कुछ भी बात कर सकते हैं जो लोग चले गए हैं उनको याद करते हुए आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनको याद करते हुए और आप जो है बड़ा ही सेंसिटिव और टचिंग मार्मिक टॉपिक है ये तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछ कोई ऐसी बात कोई ऐसी याद जो आपके साथ जुड़ी हो जिसे आप याद करना चाहेंगे याद करने की बात करी जाए तो अब मेरी जिंदगी में कितने ही लोग जो है चले गए हैं लेकिन मैं कई बार अपनी नानी और अपने फादर को बहुत याद करता हूँ मेरे फादर की डेथ हुए 27 इयर्स हो चुके हैं लेकिन फिर भी जो है कई बार उनकी बहुत कमी महसूस होती है और लगता है कि हम ये बात शेयर करें और इस बारे में उनसे सलाह लें क्योंकि जब उनकी डेथ हुई तो हम तो ज़्यादा आई वॉज जस्ट 19 तो लेकिन जो है उसके साथ तो कई चीज़ें पता भी नहीं थी जिंदगी की लेकिन अब जो है कई चीजों का वो लगता है कि कई चीजें कमी रह गई हम अपने आप जो है वो जस्टिस नहीं कर पाए उन हाथ घटनाओं को या उन डिसीजंस को अपनी जिंदगी में बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप और ये बताएं कि इन सब चीजों को याद करते हुए आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज ये मैं सुनना चाहूंगा 1963 में एक पिक्चर आई थी बंदनी जो कि बिमल रॉय ने बनाई थी और अशोक कुमार धर्मेंद्र और नूतन थे एसडी बर्मन का म्यूजिक था और शैलेंद्र के बोल थे ज्यादातर गानों में सिवाय एक गाने के
जिसमें गुलजार साहब का गीत थे, और मैं बताना चाहूंगा कि यह गुलजार साहब की पहली मूवी थी और पहला जो गीत था वो भी इस मूवी में था। लेकिन मैं सुनना चाहूंगा शैलेंद्र साहब का लिखा गीत जो कि मुकेश साहब ने गाया था, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। जी बहुत 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 शुक्रिया जी भाई, आपने अपनी यादें हमारे साथ साझा की, हमारे इस शो को और शानदार बना दिया और हमें थोड़ा सा और इमोशनल कर दिया। लीजिए आपकी पसंद का ये गीत, पेश खिदमत है आपके लिए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। धन्यवाद सैफ साहब, और बेस्ट ऑफ लक आपको शो के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। बचपन के तेरे मीत, तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत, तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते।
इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, 21 मिनट हो चुके हैं 8 बज के, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव भाई अभी आए थे और आप लोगों से भी गुजारिश है कि उन लोगों के नाम जो कि बिना अपने पैरों के निशान छोड़े दुनिया से रुखसत हो गए हैं, आप अगर कोई पैगाम देना चाहें उन रूहानी हस्तियों के लिए तो आपका खैर मकदम है। आप आएं और अपनी यादें हमारे साथ साझा करें, उन लोगों की यादें जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, सिर्फ उनकी याद ही हमारे साथ है। उन लोगों की बातें, उन लोगों की यादें अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत है। दोस्तों, ये लोग जो हमारी दुनिया से चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चले जाते हैं फिजिकली, अगर ये चले जाते हैं तो रूहानी तौर पर भी ये हमसे जुड़े रहें, जुड़े न रहें, ऐसा नहीं है। ये चले जरूर जाते हैं लेकिन हमारी हर दर्द में, हमारी हर खुशी में, अगर खुशी में ना हो तो दर्द में तो ये हमेशा शामिल होते हैं। हम जब जब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं दोस्तों, तो ये हमें आवाज देते हैं, हमें बुलाते हैं और ये कहते हैं thank you.
NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। నమస్కారం, ఆమె బాంగ్లా ఆవాజ్ పాయా। నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను। వణకం, నాన్ తమిళరిన కురల్ వాణి। నమస్తే, మే హిందీ కి ఆవాజ్ నీల్ హూ। హాయ్, ఐ యామ్ రిషి, వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్। जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज़ सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 110060।
आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, वक्त आधा बीत चुका है शो का और हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, आरजे वरुण साहब। वरुण जी, आपका खैर मकदम है अंदाज अपना अपना के इस यादों से जुड़े हुए प्रोग्राम में। आप बहुत 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 शुक्रिया साहब सर जी, और सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे वरुण और साहब सर के अंदाज अपना अपना में आया हूं, क्योंकि आज उनका टॉपिक ही इतना टची है कि मेरे को आना पड़ा। वैसे तो मैं आता ही हूँ हर एक आपके शो में साहब सर, बहुत मुश्किल है ऐसा कोई शो मैं आपका मिस करता हूँ। जी जी, तो मैं बहुत कम ही ऐसे शो होते होंगे जो मैं आपका मिस करता हूँ सैफ सर। वैसे तो मैं आता ही हूँ आपके हर एक शो में। तो आज क्या शेयर करना चाहेंगे आप लिसनर्स के साथ? सैफ सर, जो लोग चले गए इस दुनिया से, वो हमेशा मेरे एक दिल के हमेशा करीब रहते हैं। मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि वो मुझसे दूर हैं, चाहे उसमें मेरे फादर भी चार एक साल पहले एक्सपायर हो गए थे 2013 में मार्च में, उनका भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि वो मेरे साथ नहीं है। बेशक उन फिजिकल ही नहीं है, लेकिन मेंटली वो मेरे साथ में है हमेशा। और उन्हें भी वैसे बहुत याद करता हूँ, जैसे आज भी मैं गया हुआ था कहीं पे, वहाँ पे भी याद किया मैंने उनको, और सुबह भी मैं उनको बोल के गया था। और उसके बाद अभी अप्रैल में मेरी नानी एक्सपायर हुए थे, वो 108 साल की थी, तो उन्हें भी बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि उनके पास भी मैंने अपना बहुत बचपन बिताया है। तो जी, तो बताएं कि आज हम आपकी खिदमत में क्या पेश करें। वरुण जी, एक हरिहर साहब का गाना है, यादें पिक्चर का टाइटल सॉन्ग है। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, यादें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। क्या बात है साहब, बहुत बहुत अच्छी पसंद है आपकी। तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, और हम पेश करते हैं आपका पसंदीदा ये गीत। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती है, ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं, यादें यादें यादें। जीवन दिल जाने दरिया का है पानी,
पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पैक्ट पर्सन्स के लिए तैयार की जाती है। अटैक करके खेल। गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशन होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो रान पर। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे इस तरह जुड़ रहे हैं। हम बड़े ही एहसान मंद हैं आपके। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नेहा अग्रवाल जी। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंदाज अपना अपना प्रोग्राम के इस स्पेशल एपिसोड में, जो उन यादों से जुड़ा हुआ है
जो उनकी यादें हैं जो सिर्फ याद आते हैं, सामने नहीं आते। आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, अपने शो में लेकर आए आप मुझे। थैंक यू सर, आप सचमुच बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं जिन पर हमें अपने व्यूज रखने का मौका मिलता है, उसके लिए शुक्रिया सर। ये बताइए नेहा कि इस शो में आप कुछ बात शेयर करना चाहेंगी? जी सर। सर वैसे तो हर रोज कितने कितने बच्चे पैदा होते हैं और कितनों की डेथ भी होती है। जब कोई इंसान अगर पैदा हो रहा है तो उसकी डेथ भी निश्चित है, पर कुछ लोग होते हैं हमसे जो जुड़े होते हैं जिनकी डेथ पर हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ऐसे हर एक की लाइफ में होते हैं ऐसे जन, ऐसे पर्सन जिनके जाने से बहुत ज़्यादा ही तन्हाई हो जाती है, दुख होता है। मेरी लाइफ में भी काफ़ी जन रहे, जैसे मेरे दादा दादी जी। मैं बहुत छोटी ही थी जब उन लोग की डेथ हुई, जैसे मेरे नाना नानी जी। मैंने तो उन्हें मैंने मेरी नानी को देखा ही नहीं कभी, और नाना जी को देखा था, बट फिर भी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा छोटी थी मैं। इस बात का मुझे बहुत ही दुख है अभी तक भी कि मैं मेरी नानी जी को देख ही नहीं पाई। उनका प्यार क्या होता है नानी की, मतलब अब मेरा नेफ्यू है मेरी बहन का लड़का, और मेरी मम्मी का रिलेशनशिप देखती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ये पल तो मिस ही हो गया मेरी नानी के साथ। तो बहुत ही दुख रहता है हमेशा ही कि जब मैं पैदा हुई उसके एक साल बाद ही मेरी नानी जी की डेथ हो गई थी, तो मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं उनके बारे में कि वो कैसे दिखते हैं। इनफैक्ट उनकी कोई फोटो ही नहीं है हमारे पास। तो उस टाइम उस जमाने में नहीं इतना होता था फोटो का, तो बस सब यादों में ही है जो मम्मी ने बताया कि हाँ नानी ऐसे करती थी या ऐसे बोलती थी। तो आई एम श्योर नानी बहुत अच्छी थी। बेशक बेशक, जो लोग हमारे इस दुनिया से चले जाते हैं ना नेहा, वाकई वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं उस दूसरी दुनिया में जहाँ उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, कोई गम नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। तो आप ये बताइए कि हम आज आपकी खिदमत में क्या पेश करें? जी मैं आज एक सॉन्ग है ये जिंदगी के ऊपर ही वो सुनना चाहूँगी, किशोर कुमार जी का सॉन्ग है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ये वाला सॉन्ग सीरियसली गाना भी बहुत ही अच्छा है कि जिंदगी में क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता, पल भर में किसी की जिंदगी बन जाती है और पल भर में सच कह रही है। आइए हम आपका पसंदीदा एक गीत सुनते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, उड़ने उड़ने ओ, उड़ने उड़ने ओ, उड़ने उड़ने ओ।
बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उड़ान आइडल के कंटेस्टेंट आशीष पेरीवाल साहब। आशीष जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं हम अंदाज अपना अपना की इस महफिल में। बहुत बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इस वक्त हमारा टॉपिक है उनकी यादें, जो लोग याद तो आते हैं लेकिन सामने नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के बारे में? हाँ सर, ऐसे कोई कुछ शख्स हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जैसे जिसको एक हम एक पहले नॉवल पढ़ते थे गॉन विद द विंड, और गॉन विद द विंड का मतलब हुआ कि हवा के साथ चले गए, और उसको हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में ले सकते हैं कि गॉन विद द विंड की कुछ दिन थे बहुत दुखी भरे दिन थे, वो चले गए, और एक इसका जस्ट अपोजिट होता है कि कोई दिन थे वो भी यार का क्या दिन थे। उन्हीं में जो आपका आज अपना टॉपिक है, वो ऐसे लगता है कि जो उनको याद करते हैं तो ये याद आता है कि गॉन विद द विंड हाउ इट इज पॉसिबल। अब मैं उनमें से, मेरे को अभी दो नाम ध्यान में आ रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ, आपने एक नाम का अपने शो में था, मुझे दो नाम बहुत छोटे छोटे से बताऊंगा। एक मेरे दादाजी का नाम है जी, जो आज से लगभग 96 में वो एक्सपायर हो गए थे, हम उस टाइम लगभग वही 11-12 साल के थे, और ये उस समय तो हमें बिल्कुल ये अंदाज ही नहीं था कि मतलब क्या होता है एक्सपायरी चीज क्या होती है और क्या होता है, बस ये हुआ कि हाँ दादाजी चले गए, घर में बोलते थे वो ऊपर ईश्वर के पास चले गए, चलो बिल्कुल बात नहीं। आज उनकी जो बातें याद आती है तो ऐसा लगता है काश वो हमारे साथ होते तो क्या हमारा क्या स्टेटस होता है, क्या एक लाइफ होती, क्या ज्वाइंट फैमिली होती है अब उनके जाने के बाद, जैसा कि आजकल होता ही है कि सब सेपरेट हो जाते हैं, जब तक बड़े रहते हैं तब तक रहते हैं, और एक उसके उनके टाइम में हमारे एक अंदाज ही अलग था, लाइफ स्टाइल अलग, स्टैंडर्ड अलग था, और जब हम छुट्टियों में जाते थे दादाजी के पास तो हमें वो एक वो ऐश आराम की फील आता कि बस अब दादाजी के पास जा रहे हैं तो आज हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, जो हमने फरमाइश कर दी वो हमें पता है जी पीछे होता था कि वो थोड़ा सा उसको ज्यादा प्यार करते थे, तो ये होता था कि चलो भाई कोई बात, अगर फाइट था
मुझसे नहीं मानी गई तो मैं उसको बताता था, जबकि मुझसे छोटी थी। मैं बोलता यार तू कर दे तो दादाजी फिर मना कर ही नहीं सकते। ये बताइए कि आप इस वक्त कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? वक्त थोड़ा कम है इसलिए आप जानना चाहेंगे। एक छोटा सा एक नाम और लूंगा सर, हमारे टीचर थे हमारे बीआरए में मिस्टर सुखबीर सर, सर उनको बस हिंदी के टीचर थे, बहुत ही अलग ही लाजवाब थे, अलग ही अंदाज था। वो हमेशा ये सिखाते थे जीना है तो हंस के जियो और जीवन में एक पल भी रोना ना, वो हमेशा ही सिखाते थे। और उनकी अंदाज और उनका जीने का स्टाइल ऐसा ही था कि लगता था कि जियो तो ऐसे ही जियो। जी तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? सर जीना है तो हंस के जियो थानेदार मूवी से है, क्या बात है, 94 की है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप चला सके तो बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी, आप पहली बार हमारे शो में आए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग सर, आपको भी बहुत थैंक यू सो मच सर, ये वेलकम, बाय ठीक है। जी
विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांग जनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही सुगम भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों सरकारी कार्यालयों स्कूल अस्पताल पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है ताकि दृष्टि बाधित श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत सशक्त भारत विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं मीनल सिंघवी जी। मीनल जी आपका स्वागत है शो में। शुक्रिया साहब। सर ये बताइए कि इस टॉपिक के विषय में आप क्या कहेंगे आज? साहब सर टॉपिक तो बहुत ही टचिंग है और कितना भी कह लो कमी है क्योंकि यादें कभी किसी की कमी नहीं होती चाहे कुछ भी हो जाए। एक गाना है हालांकि मैं वही गाना सुनने आई थी शो में बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। तो मतलब जब इस गाने के एक एक वर्ड सुनते हैं तो मुझे लगता है कि सच है यही हकीकत है चाहे कितना भी कर लो लेकिन जो लम्हा बीत गया वो कभी हमारे जहन से जाता नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो वक्त क्योंकि कम है इसलिए हम बातें कम करके और आपका गीत पेश करते हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया मीनल जी। शुक्रिया सर। और दोस्तों इसी के साथ हमें भी इजाजत दीजिए। अगला शो बोलती तस्वीरें तैयार है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों न जाने कहां फिर मुलाकात हो न जाने कहां फिर मुलाकात हो क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। साथ तो होगी। हम जाएं कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुला
मुलाकात तो होगी। साए हुए रखना फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना यादों के चरागों को जलाए हुए रखना लंबा सफर इसमें कहीं रात तो होगी लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी ये साथ गुजारे लम्हात की दौलत ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत जज्बात की दौलत ये ख्यालात की दौलत कुछ पास न हो ये सौगात तो होगी कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।